इस वक्त की अहम खबर चंदौली से, जहां चंदौली में सवालों के घेरे में आ गई है पुलिस की कार्रवाई। दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। गैंगस्टर आरोपी के घर पर दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची थी और युवती की मौत पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से, जहां पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। गैंगस्टर आरोपी के घर पर दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची थी। युवती की मौत पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं, जहां पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। जहां एक बेटी की मौत हो चुकी है तो दूसरी अभी बेसुध है और फिलहाल मौके पर जिलाधिकारी से लेकर एसपी सभी मौजूद हैं और यहां परिवार के लोगों से बात की जा रही है। शशांक पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। शशांक, क्या और अपडेट मिला है इस पूरे मामले में अभी तक? आपको बता दें, जनपद चंदौली के जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, दो सीओ, तमाम थाने, जो दोनों बहनें थी, एक बहन घायल थी और दूसरे की मौत हो गई है। पुलिस दबिश देने आई थी, शाम को लगभग 4-5 का समय था। पुलिस यहां जो है गैंगस्टर के अपराधी कन्हैया यादव उनके घर आई थी, उनके खिलाफ एनडीडब्ल्यू जारी हुआ था। तमाम समाजवादी पार्टी नेताओं को जैसे जैसे ये घटना मालूम होती गई, सारे नेता, जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद, विधायक प्रभु यादव समाजवादी पार्टी के विधायक है, तमाम जो संतोष यादव पूर्व खादी ग्राम उद्योग के सदस्य, तो समाजवादी पार्टी के जितने बड़े छोटे नेता हैं सारे यहाँ मौजूद है। सभी की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो घटना हुई है। और पीड़ित परिवार, अभी चूंकि मौत हुई है, पुलिस और पीएम और एसपी यहाँ है, उनको समझा रहे हैं कि ठीक है, हम जांच कराएंगे, अगर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी, लेकिन शशांक बताएं कि आखिर इस लड़की की मौत कैसे हुई? क्या पुलिस ने कोई जोर जबरदस्ती की, मारपीट की, क्या सख्ती से पूछताछ की गई, कैसे हुई मौत? देखिए, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत है और पीड़ित परिवार जो है उनका कहना है कि पुलिस ने मारा है। पुलिस कह रही है कि हमारी टीम गई थी दबिश देने, वो नहीं मिली तो फिर दूसरे गांव में आगे बढ़ गई। अब तो ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि एक लड़की की मौत हुई है, उसकी बहन घायल है, माँ बिलख बिलख कर रो रही है। अब ये जांच होगा, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पुलिस ने ज्यादा टॉर्चर किया इनके साथ या क्या घटना हुई, कैसे हुई, ये तमाम बातें हैं। पुलिस इससे कड़ी बिंदुओं पे जांच करेगी, लेकिन अभी फिलहाल मौके पर डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, तमाम सीओ, कई थाने की फोर्स मौके पे मौजूद है। पुलिस परिवार से बातचीत हो रही है, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक प्रभु यादव, तमाम डीएम एसपी के साथ है, बातचीत हो रही है परिवार के साथ। आखिर उनकी जो मांग है, अगर डीएम उनको पूरा करते हैं तो हमको लगता है कि आधे घंटे में शव जो है मस्तरी में चला गया। जी बिल्कुल शशांक, कई बड़े सवाल हैं, ये सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच चंदौली की पुलिस की दबिश पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे जुड़ी पूरी घटना को समझाती हुई कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां हर एक तस्वीर को एबीपी गंगा ने जब बारीकी से देखा तो क्या निकला ये भी समझना जरूरी है। ये तस्वीर आपके सामने साफ देखा जा सकता है, एक पुलिसकर्मी भी इसमें घायल है। तस्वीरों से इतना साफ है कि संदिग्ध मौत दिन की है और घायल पुलिसकर्मी की तस्वीर देर शाम की है। आप ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं, पूरी घटना आप समझ सकते हैं, जहां दबिश देने के लिए गैंगस्टर के घर पर पुलिस पहुंची थी, परिवार की 3 महिलाएं मौके पर मौजूद थी, एक बेटी की मौत हो चुकी है, दूसरी अभी बेसुध है। ये आप देख सकते हैं, जो लड़की घायल हुई है वो कह रही है कि पुलिस ने मारा पीटा है, महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी, उन्होंने भी मारा, और जब तनाव बढ़ा इस मामले को लेकर इलाके में लोग इकट्ठे हुए, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, उनके जिलाध्यक्ष पहुंचे, यहां दबाव बनाया गया, कार्रवाई का सवाल पूछे गए, उसके बाद तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं इस वक्त पीड़ित परिवार के आवास पर और यहां जानकारी ली जा रही है, परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है और सवाल उठ रहे हैं। और फिलहाल इस बीच ये जानकारी है कि एसपी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में जो लड़की की मौत हुई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शशांक हमारे संवाददाता वहीं मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। शशांक, ये बताएं सबसे पहले, कितने बजे पुलिस वहां पहुंची थी, कितने पुलिसकर्मी गए थे, किस स्तर के अधिकारी उसमें मौजूद थे और क्या कार्रवाई वे करने के लिए गए थे? देखिए, 4 से 5 बजे का समय था, थाना अध्यक्ष सैयद राजा, उनके साथ 2 एसआई,
तीन चार महिला कांस्टेबल, तो लगभग 7 से 10 की संख्या थी उनकी टीम की। दो गाड़ियों के लोग आए थे, कंगेस्टर के अपराधी हैं, उनके खिलाफ NBW जारी हुआ है। तो पूरी सुरक्षा के साथ पुलिस यहाँ आई थी। पहले आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, धीरे धीरे बात शुरू होती है, लगभग घंटों यहाँ रहते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि कहाँ है, बुलाओ उनको, उनके खिलाफ NBW जारी हुआ, तमाम बातें होती हैं। इसी बीच 1-1.5 घंटे बाद ये सूचना आती है कि लड़की की मौत हो गई, और उसके बाद जो है ये बवाल होता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को मालूम होता है, समाजवादी पार्टी के नेता घर पे आते हैं, पूर्व सांसद हैं रामकिशोर, प्रभु यादव चकलिया के विधायक है समाजवादी पार्टी से, चकलिया के वो हैं जिलाध्यक्ष हैं, तमाम जो नेता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचे। अभी भी सारे लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, परिजन, PM, SP सभी लोग हैं, और बातचीत चल रही है। ये आखिर ये घटना हुई तो कैसे हुई, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस का ये जो कार्रवाई है इसके लोगों के अंदर मन में शक पैदा हो गया कि कहीं ये बिल्कुल पुलिस की ज्यादती का मामला तो नहीं है, सवाल इसी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। और शशांक रुकिएगा, आप हमारे साथ ठहरे रहिएगा।